रहीम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट काव्स दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डाइट में और हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें कब और कैसे लेने चाहिए और क्या लेने चाहिए तो व्यूवर्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगी आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या अहमियत है और हमें हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आज हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है बेस्ट टाइम टू ईट काब्स अब हम इस पर बात करते हैं कि कौन से ऐसे सही अवात हैं जिनमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए और जिनमें हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं बेफिक्र होकर जिससे हमारा वेट गेन भी नहीं होगा और वेट मेंटेन भी रहेगा तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो व्यूअर्स देयर आर थ्री बेस्ट टाइम्स टू ईट कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सबसे पहले आ जाता है मॉर्निंग टाइम यानी कि आपका ब्रेकफास्ट जो है उसमें आप बेफिक्र होकर कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं वो इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जब हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं अपने नाश्ते में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारे पास पूरा दिन होता है पूरा दिन होता है उसको बर्न करने के लिए उसमें हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं और ना भी एक्टिव रहें तो हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम जहाँ भी जिन कामों में बिज़ी होते हैं उससे हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट्स वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो उसमें यूज़ हो जाते हैं तो अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं या वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप अपने नाश्ते में यानी कि ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स बेफिक्र होकर ले सकते हैं याद रखिए कि हम उन कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हम हेल्दी कार्ब्स कहते हैं जिनमें सीरियल्स और ब्राउन राइस और जौ का आटा इस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं वो आप बहुत इजीली अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं सेकेंड बेस्ट टाइम जो कि कार्ब्स लेने का है वो है प्री वर्कआउट यानी कि जब आप वर्कआउट करते हैं आप जिम जाते हैं या फिर आप घर में वर्कआउट करते हैं उससे आपको दो से तीन घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और या इन दो तीन घंटों के अंदर भी आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये आप एक चॉइस मत रखिए कि आप ले सकते हैं या आप बग़ैर कार्ब्स लिए ही एक्सरसाइज कर सकते हैं यह आपको मस्ट लेने चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज़ करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें कार्ब्स से मिलती है कार्ब्स इक्वल्स टू एनर्जी तो कार्ब जब हम लेते हैं तो वो हमारे ब्लड में जाकर ग्लूकोज़ में तब्दील हो जाते हैं और वो ग्लूकोज़ हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने वर्कआउट से दो से तीन घंटे पहले या इन दो तीन घंटों में अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो आपके मसल्स को आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर वेट लूज़ और टू मेंटेन योर वेट प्री वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही एक फायदेमंद चीज़ है क्योंकि जब आप खाली पेट जिम चले जाते हैं या वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो आप नोट करेंगे कि अगर आप खाली पेट हैं या आपने कोई बहुत ही लाइट सी सैलड वग़ैरह इस टाइप का कुछ आपने लाइट सखाया है इस वजह से कि आपका वेट लूज़ हो जाए और आप कम खाएं और वर्कआउट करें तो आपका वेट लूज़ हो जाए ऐसा हरगिज़ नहीं होता आपको वेट लूज़ करने के लिए बहुत ही हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है और एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें कार्ब्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब आप विदाउट एनर्जी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ही जल्द टायर्ड हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी कि आप मज़ीद वर्कआउट करें और वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लूज़ के लिए और हेल्दी रूटीन लाइफ के लिए भी तो प्री वर्कआउट जो कार्ब्स हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं थर्ड बेस्ट टाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट्स लेने का है वो है पोस्ट वर्कआउट यानी कि जब आप वर्कआउट कर चुके होते हैं एक्सरसाइज कर चुके होते हैं उसके बाद का टाइम उसके ऑलमोस्ट थर्टी मिनट्स तक जो है वो बेस्ट टाइम होता है कि आप कार्ब्स लें और इसके साथ साथ आप प्रोटीन लें क्योंकि ये वो वक्त है जब आपकी बॉडी फुल एग्जॉस्टेड होती है और आपने जो एनर्जी एक्सरसाइज में लगाई है वर्कआउट में लगाई है उसे रीगेन करने के लिए आपको अब कार्ब्स की ज़रूरत है कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया तो कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपने वर्कआउट में लगाई है और जो इसके साथ साथ आपको प्रोटीन लेने की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं उनको रीगेन करने के लिए आपको फिर एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक्स या फिर प्रोटीन की कोई और चीज़ खाने की बहुत ज़रूरत होती है तो एक्सरसाइज के बाद आप कार्ब्स को कंबाइन करें प्रोटीन के साथ जो कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है पोस्ट वर्कआउट मील के लिए सो व्यूअर्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन्हें हम बिल्कुल भी अपनी डाइट से 100 परसेंट स्किप नहीं कर सकते एंड डोंट फियर कार्ब्स कार्ब्स आर वेरी हेल्दी अगर आपको उनकी टाइमिंग का पता है कि आपने कब लेने हैं कब उनकी उनको लेना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा तो फिर कार्ब्स आपके लिए बुरे नहीं हो सकते आपको सिर्फ़ गुड एंड बैड कार्ब्स का पता होना चाहिए और इनमें फ़र्क करना आना चाहिए तो फिर आप अपना वेट बहुत इजीली लूज़ कर सकते हैं और ऑलरेडी लूज़ वेट को मेंटेन भी कर सकते हैं जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ये कुछ एग्जांपल्स हैं गुड कार्ब्स की और लो कार्ब जो फूड हैं उनकी भी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी इससे भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं और अपने लिए ख़ुद अपना एक डाइट प्लान बना सकते हैं ये जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं ये प्री वर्कआउट फूड के कुछ आइडियाज़ हैं और ये पोस्ट वर्कआउट फूड्स जो हैं उनके कुछ आइडियाज़ हैं यानी कि आप वर्कआउट के बाद इनमें से कोई भी फ़ूड ले सकते हैं या इन जैसा कोई भी फ़ूड ले सकते हैं जिसमें कोशिश करें कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़रूर हों उस मील में जो कि आप पोस्ट वर्कआउट ले रहे हैं तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़